जय मसीह की दोस्तों, आज का स्वर्गीय मनने का भाग हमने लिया है पहला राजा 17 की 9 आयात से। वचन कहता है, उठ सिदोन के सारपत को जा और वहीं रहे, देख मैंने वहां एक विधवा को तेरे लिए भोजन का प्रबंध करने की आज्ञा दी है। धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरी योजना के लिए, धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरी सोच के लिए, धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरे प्यार के लिए। वचन क्या कहता है दोस्तों? वचन कहता है कि एक नबी को परमेश्वर ने एक विधवा के द्वार भेजा। विधवा जिसके पास आशा नहीं थी, जिसके पास जीवन नहीं था, वो विधवा कहती है कि आज ये आखिरी रोटी आखिरी आटा मेरे पास है और इस रोटी को मैं और मेरा बेटा खाएंगे और मर जाएंगे। वहाँ पर एलिया परमेश्वर का चन, परमेश्वर का नबी, परमेश्वर की वाणी बोलता है कि नहीं, तू नहीं मरेगी मेरी बहन, तू नहीं मरेगी मेरी बहन, क्योंकि मेरी आशा तेरी आशा तेरा परमेश्वर है, तेरा जीवन मेरा परमेश्वर है। और तू अगर परमेश्वर की वाणी पर विश्वास करेगी तो जब तक मेह नहीं बरसेगा तब तक तेरा आटा और तेरी कुप्पी का तेल कभी खत्म नहीं होगा। परमेश्वर आशा देने वाला है, परमेश्वर जीवन देने वाला है मेरे दोस्तों। लेकिन यहाँ परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर अपने नबी को तैयार कर रहा है, परमेश्वर अपने एलिया को तैयार कर रहा है। यस लॉर्ड, परमेश्वर अपने एलिया अपने जन को तैयार कर रहा है उस बात के लिए, उस चीज के लिए, उस दर्शन के लिए, वो बात जो होने वाली है, वो चमत्कार जो होने वाला है, वो आँख जो स्वर्ग से बरसने वाली है। यस लॉर्ड धन्यवाद, वो कर्मेल पर्वत पर गीली लकड़ियों के ऊपर अपनी आग बरसाता है। उस बात के लिए परमेश्वर तैयार करता है एलिया को, परमेश्वर तैयार करता है कि बताता है कि वो कौन है, वो कौन सा परमेश्वर है, वो यहोवा राफा है, वो यहोवा निसी है, वो परमेश्वर मेरे यीशु मसीह का पिता है। यस लॉर्ड, परमेश्वर हमको अभिषेक का कारण बनाता है, परमेश्वर हमको आशीष का कारण बनाता है दूसरों के लिए। और इसी तरीके से आशीष का कारण लेकर, आशीष लेकर एलिया विधवा के द्वार पर जाता है, विधवा के घर जाता है और विधवा को बताता है कि परमेश्वर कौन है। परमेश्वर जीवन है, परमेश्वर राजा है। दोस्तों अगर हम पुराने नियम में देखते हैं, मूसा के बारे में पढ़ते हैं, तो मूसा को भी परमेश्वर ने तैयार किया था। वो मूसा जो पहले नानुकुर करता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता, जो परमेश्वर के सामर्थ को नहीं समझता है, वो कहता है नहीं परमेश्वर मैं आपके योग्य नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं बोलना नहीं जानता हूँ, मैं चलना नहीं जानता हूँ, मैं डरता हूँ, मैं किसी के सामने खड़ा नहीं हो सकता हूँ। उसी मूसा को परमेश्वर ने तैयार किया, उसी मूसा को परमेश्वर ने इसराइल के लिए तैयार किया, उसी मूसा को परमेश्वर ने अद्भुत चमत्कार के लिए तैयार किया। और आप देखेंगे निर्गमन अध्याय 14 में जब लाल समुद्र के सामने 6.5 लाख पुरुष खड़े हुए थे, बेबस बेबस खड़े हुए थे और वो समझ रहे थे कि उनकी मौत सामने है और पीछे उनकी मौत आ रही है फिरौन के रूप में, वो लोग कुड़कुड़ा रहे थे, वो कह रहे थे कि अरे मूसा तो हमें कहाँ लेकर आ गया है, इससे अच्छा तो हम उनके दास रहते, तो हमें इस जंगल में मारना चाहता है। मूसा ने कहा, क्योंकि मूसा को परमेश्वर ने तैयार किया था, जो बात होने वाली थी, जो लाल समुद्र दो भागों में बंटने वाला था, उसको तैयार करके मूसा ने कहा, मेरे दोस्तों मेरे भाइयों तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज तुम परमेश्वर का उद्धार देखोगे, आज तुम देखोगे कि परमेश्वर तुम्हारे लिए कैसे लड़ाई करता है, आज तुम देखोगे कि परमेश्वर तुम्हारे लिए कैसे युद्ध करता है, आज तुम देखोगे कि परमेश्वर तुम्हें कैसे बचाता है। परमेश्वर हमारा निगेबान है, परमेश्वर हमसे प्यार करता है, परमेश्वर ने हमको चुना है ताकि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, हम परमेश्वर की वाणी बनकर इस दुनिया में चले, हम परमेश्वर के वचन लेकर, हम परमेश्वर की आग लेकर इस दुनिया में चले और दुनिया को बताएं कि परमेश्वर जीवित है और परमेश्वर जो कहता है वो ही करता है। धन्यवाद पिता, तूने हमें इस योग्य समझा कि तूने हम पर कृपा की और हमारी बुद्धि खोली, अपनी आत्मा हम में उड़ेली, उस सामर्थ को हम में उड़ेला। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, आज का दिन अद्भुत है परमेश्वर। धन्यवाद जैसे तूने एलिया को तैयार किया था, जैसे उस आग के लिए तूने एलिया को तैयार किया, हम भी तैयार हैं परमेश्वर तेरी आग को दुनिया के सामने लाने के लिए। यस लॉर्ड, वो पल हमारे जीवन में भी आए जब हम दुनिया के सामने उस आग को उड़ेलें, ताकि दुनिया जो इन गीली लकड़ियों की तरह जल नहीं रही, इन गीली लकड़ियों की तरह सड़ रही है, आशा नहीं है उनमें, जीवन नहीं है उनमें, जीवन आए।
तेरे वचनों के द्वारा, हमारे द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, तू दयालु है, तू करुणामयी है, तू जीवन देने वाला है, तू आशा देने वाला है। धन्यवाद तूने अपने यीशु को दिया ताकि हम सुख पाएं, हमें जीवन मिला, हमने बुद्धि पाई। परमेश्वर, इस वचन को सुनने वाले हर भाई बहन को परमेश्वर तेरा आशीष मांगते, तेरी बुद्धि मांगते हैं। जो सामर्थ्य तूने हमें दिया है उस सामर्थ्य को हम यूज़ कर सकें और परमेश्वर तेरे योग्य बन सके। जैसे तूने एलिया को तैयार किया था, जैसे तूने मूसा को तैयार किया था, परमेश्वर हम भी उपलब्ध हैं तेरे चरणों में। तू हमें भी पूरी तरीके से तैयार कर और हमारे द्वारा भी इतिहास बना परमेश्वर। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में हमने ये छोटी सी प्रार्थना की है और हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, कबूल किया है। धन्यवाद। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया।